बात यह है कि हमने 46,000 जॉब्स अनाउंस किए, पौने 5 लाख के करीब उसमें कैंडिडेट्स अपियर हुए, मगर बदकिस्मती से जो रिजल्ट आया है वो ये है कि जेएसटी की 14,000 पोस्टों में से फकत 1,250 लोग क्वालिफाई कर सके। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ क्योंकि नवे फिक्रिया है कि हमारा स्टेट ऑफ एजुकेशन हमें बहुत सी चीज़ें गवाही दे रहा है कि हमें कहाँ जाना है, मगर आप एक बात कह सकते हो कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेल ऑफर की थी कि 100% मेरिट में अपने स्टूडेंट करवाएंगे, और आप समझिए कि जब हम मेरिट का बुनियाद नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तक जितने हमारे साथ थे उनकी तुमने जिनकी पढ़ाया उनके नतज आपके सामने आ चुके हैं। आज से हम मेरिट का स्टार्ट करेंगे, जो पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग हैं, गरीब के बच्चे हैं, बगैर सिफारिश के अगर वो टीचर बनते हैं तो वही पढ़ाएंगे और कल का जो हमारा फ्यूचर है इसी पे बैठ सकता है। तो अब रिजल्ट ये है कि तकरीबन 46,000 में से जो मुझे इनिशियल मिली है, फाइनल तो अभी मिलना है आई बी एस अखर से, मगर कोई 2,000 के करीब प्लस माइनस जो है वो पास हो चुके हैं दोनों JEST और PST आउट ऑफ 46,649 सीट्स में से। अब कट ऑफ के हवाले से बड़े मुतालबात चल रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहे हैं कि इस पर मार्क्स कम की जाएँ, कट ऑफ नीचे लाया जाए। इस हवाले से हम बैठेंगे, पूरी असेस करेंगे रिजल्ट को कि हम कहाँ तक जाएँ। बहरहाल कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन अनाउंस करेंगे और फिर उस क्राइटेरिया में जो भी आते हैं वो बिस्मिल्लाह जो रह जाते हैं फिर 3 महीने के बाद दूसरा राउंड होगा उसमें अपील।